हे गाइस, मैं हूं टेक्नोलॉजी दुनिया से और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी वीडियो में कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कैमस्टीशियर स्टूडियो आपके पास होना चाहिए, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिससे होता है, लेकिन सबसे आसान जो है कैमस्टीशियर स्टूडियो। आप इससे बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये डाउनलोड कर ले आप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो उसका ट्रायल वर्जन। 30 दिन का ट्रायल वर्जन है, और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा तो आप खरीद भी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए, ये कैमस्टीशियर स्टूडियो। आपको सबसे पहले यहाँ पर उस वीडियो फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको इमेजेस ऐड करना है। मान लीजिए कि ये हमारा वीडियो फाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाके इसे सेलेक्ट करके ऐड टू टाइमलाइन कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने इमेजेस को इंपोर्ट कर लूँगा जिसे मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने वीडियोस में, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ, ये ऐड करना चाहता हूँ, और भी ये ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये 4-5 इमेज है जो मैं अपने वीडियो में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको जहाँ पर भी ऐड करना है इमेज को, आप वहाँ जाकर इस फ्रेम को रोक सकते हो, और वहाँ जाकर इसे, जैसे कि मैं इस इमेज को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड टू टाइमलाइन कर दूँगा। तो जैसे ही ऐड टू टाइमलाइन करूँगा तो ये इमेज आ जाएगा हमारे वीडियो के ऊपर, और मैं इसे बड़ा कर लूँगा। आप जिस भी साइज़ का रखना चाहते हो आप रख सकते हो, और जितने टाइम के लिए भी आपको करना है आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। आप जैसे ही इसे एक्सटेंड करते जाएंगे इसका टाइम बढ़ता जाएगा और होता जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं दूसरी जगह एक इमेज को और ऐड करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैं इस इमेज को ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाके फ्रेम रोकूंगा और मैं यहाँ पर इस इमेज को ऐड कर दूँगा। जैसे ही ऐड करूँगा आ जाएगा इमेज हमारे स्क्रीन पर, और मैं इस इमेज को बड़ा कर दूँगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं दूसरे फ्रेम पर, ठीक है, मतलब आप समझ गए कैसे करना है, ठीक है। अब हमारा इमेज ऐड हो गया हमारे वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पर हम रिड्यूस एंड शेयर करेंगे। आप जिस भी पिक्सल्स में इसको सेव करना चाहते हो आप सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं 1080p करूँगा, MP4 ओनली, 1080p। नेक्स्ट कोई भी नाम सेलेक्ट कर लो आप, और फिनिश, और हमारा रेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सो गाइज, हमारा जो वीडियो था वो रेंडर हो चुका है। चलिए देखते हैं हमारे वीडियो को। ये देखिए, हमारा जो पहला इमेज था वो यहाँ आ चुका है। दूसरा जो इमेज है यहाँ पे है, high res audio increases audio fidelity to 4 times that of standard CD quality. और जो तीसरा हमारा इमेज था वो यहाँ पे है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।